जनता को हो रही सरकारी राशन वितरण अनियमितता के लिए आज पीड़ित जनता के साथ शिवसेना शहर प्रमुख नितिन तिवारी द्वारा राशन अधिकारी का घेराव कर ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान हमारी संवाददाता क्षितिजा देशमुख ने खास बातचीत की। आइए डालते हैं इनकी बातचीत पर एक नजर। उदासीन अधिकारी मुर्दाबाद, उदासीन अधिकारी मुर्दाबाद, जनता के सम्मान में शिवसेना मैदान में गरीबों का राशन गरीबों। शिवसेना की ओर से आज जो है जनता को जो अनियमितता हो रही है राशन मिलने में, उसके लिए आंदोलन किया गया और ज्ञापन भी सौंपा गया है। क्या मांग है आपकी और किस तरह से मतलब जो है आपको अधिकारी की तरफ से जो रिस्पांस मिला है? देखिए, शहर में हो क्या रहा था कि राशन की कालाबाजारी हो रही थी। मुख्य तौर पे जो गरीब लोग हैं जिनको सचमुच राशन चाहिए, केंद्र और राज्य सरकार की जो FCI की योजनाएं थी उनके तहत जो राशन सरकार के जो जनता के अधिकार का आता था वो मिल नहीं रहता। हमारे शाखा प्रमुख साबिर खान, इन्होंने पूरे नागपुर में एक स्कीम शुरू की। इन्होंने झोपड़पट्टियों में जाके, स्लम एरियाज में जाके लोगों से पूछा, एक फॉर्मेट बनाया कि आपको राशन दुकानों में क्या दिक्कतें हो रही है। सैकड़ों लोगों की हमको एप्लीकेशनें प्राप्त हुई कि जिस प्रकार से अनियमितता है, अनियमितताओं में मुख्य तौर से यह पाया गया कि शुरुआती दौर में जो महीने में राशन आता है, वेबसाइट पर जो राशन आता है सबकी जानकारी RC कार्ड धारक को पता चलती है, परंतु राशन दुकानदार गरीबों को उनकी असाक्षरता का फायदा उठाते हुए वो राशन उनको देते नहीं है और वो राशन न मिलने के कारण बेचारे वंचित रहते। किसी को 2 किलो गेहूं देके बेच दिया या किसी को चावल, उसके हक का पूरा राशन जो नहीं देते। कुछ दुकानदार जो राशन देते हैं उस पर अपने मनमानी कायदा लगाते हैं और मनमानी कीमतें लगाते हैं, क्योंकि सरकारी कीमतें निर्धारित होती है। तो आज हमने ये बोला कि जो सरकारी कीमतें निर्धारित है और जितना कोटे का राशन है वो दिया जाए, क्योंकि यही राशन बचाकर फिर ब्लैक मार्केट में ब्लैक होता है मार्केट का, और ये जो गरीबों का राशन है वो दुकानदार ब्लैक मार्केटिंग के जरिए एक राशन माफिया तरह का काम कर रहा है। इसमें 2-3 कारण है। मुख्य तौर पर दुकानदार जो इस प्रकार से जानबूझ के ऐसी कार्रवाई करवाता है और कुछ अधिकारी जिनके पास बारंबार शिकायत आने के बाद भी उदासीन होते हैं। हमने ये बताया कि जनता और अधिकारियों के बीच का संवाद ऐसा होना चाहिए कि अप्रोचेबल होनी चाहिए जनता, ताकि अगर उसको राशन की कोई तकलीफ है तो अपने अधिकारी के पास बहुत अच्छे से पहुंचे, जिसमें ताहिड़े साहब यहाँ के जो मुख्य राशन अधिकारी है नागपुर शहर के, उनके अधीनस्थ सभी अधिकारी जोन अधिकारी वो यहाँ पर उपस्थित थे। उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया। जो राशन कार्ड धारकों के राशन कार्ड बंद हैं उनके लिए भी उन्होंने आश्वासन दिया कि लाभार्थी पत्र बंद करके साबिर खान जी को अभी पूरी जानकारी दी गई है। हम लोग मिल के वो जो राशन कार्ड बंद है और जो जीनियन लोग हैं उनके राशन कार्ड चालू करवाएंगे, और आइंदा यहाँ दुकानदारों को चेतावनी दी जाती है कि कोई भी दुकानदार जनता के हक का राशन मारे ना, उसको पूरे राशन की पहले जानकारी दे कि इस बार आपके राशन इस महीने में इतना राशन आया और इस कीमत का राशन है, और उतना ही पैसा उससे वसूले। यदि अनियमितता दिखेगी हम उस दुकानदार के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर जो अधिकारी उस पर उदासीन रहते हैं उनके खिलाफ सड़क पर उतरेंगे। शिवसेना गरीबों के सरकारी अनाज के लिए एक जोरदार आंदोलन करेगी, और यह शिवसेना इसके बाद भी, मैं दुकानदारों को यह भी शाश्वत करना चाहता हूं, किसी भी असामाजिक तत्वों के तहत उनका दोहन ना हो, नहीं तो कई बार हम भी डेलीगेशन लेकर और उनका दोहन होगा। यदि आप सच्चे हैं तो आप किसी चीज से डरे ना, और आपको यदि कोई असामाजिक तत्व परेशान करते हैं हम आपके साथ पुलिस स्टेशन आने को तैयार है, बशर्ते गरीबों का राशन, उनके अधिकार का राशन उसी सरकारी कीमत में उनको मिलना चाहिए। इससे पहले भी कई बार आपने ऐसा ज्ञापन दिया है लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है, अभी लगता है कि कार्रवाई होगी या न्याय मिलेगा जनता को? मैम, आपने सही बोला है। हमने अपने स्तरों पर भी कोरोना के टाइम में युद्ध स्तर पर हमने काम किया। जब तक काम करो तब तक सब ठीक रहता है, उसके बाद जब थोड़ा सा नजरअंदाजी होती है तो जनता के साथ अन्याय होने लगता है, परंतु इस बार हम वो मूड नहीं अपनाएंगे। इस बार हम दुकानों को उनके लाइसेंस को बर्खास्त कराने की प्रक्रिया करेंगे, उनका ऑडिट मंगवाएंगे। किसी भी एक दुकान का, आज मैं डंके की चोट पे बोलता हूं मैम, कि किसी भी एक दुकान का यदि ऑडिट किया जाए तो उसका लाइसेंस ब्लैकलिस्टेड हो जाएगा। और यदि दुकानदार, हम एक मौका दे रहे हैं कि गरीब जनता को उनके अधिकार का राशन उस कीमत में दें, अन्यथा हम उनको ब्लैकलिस्टेड कराने से छोड़ेंगे नहीं, और उन अधिकारियों जो उनको संरक्षण दे रहे हैं उनको भी, उनकी भी बर्खास्ती की मांग करेंगे। इसके लिए राशन दुकानदारों को आपने कितना समय दिया है कि अगर आपके पास कंप्लेंट आती है इतने दिनों में, ऐसा कुछ अल्टीमेटम दिया है? बिल्कुल तुरंत का अल्टीमेटम है मैडम, ये 24 घंटे का। अगला आने वाला स्लॉट, ये जो महीना अभी खत्म होगा, अगला जो दिसंबर महीना आएगा वो स्लॉट में हमारे गरीब जनता को राशन मिलना ही चाहिए। यदि नहीं मिलेगा तो दुकानदार ने अपनी खैर मनाना और उसको संरक्षण देने वाले अधिकारियों ने भी अपनी शामत मनाना। अब जब राशन दुकानदार जो है गरीब जनता को परेशान अगर करती है या अनियमितता दिखती है तो उनका लाइसेंस अभी रद्द हो सकता है, क्योंकि शिवसेना जो है शिवसेना स्टाइल में आंदोलन करेंगी और उनका लाइसेंस जो है रद्द भी हो सकता है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।